मैं पटना हूँ, मेरी तारीख सदियों की अमानत है। मैं क्या था और क्या हूँ, इससे कोई कैसे बेखबर होगा। बदलते वक्त ने मुझ में कई तब्दीलियाँ की हैं, मुझे पहचान पाएगा वही जो दीदवर होगा। मेरी मिट्टी की जरखेज़ी पे दुनिया रश करती है, कई आलिम सियासतदान इसी मिट्टी से जन्मे हैं। खुदा ने इल्म का इतना ख़जाना मुझको बख्शा है, खुदा बख्श लाइब्रेरी नाम इंसानों ने रखा है। एक पटना एक ऐसी जगह है जो एक दो नहीं कई नामों से उसको जाना गया। उसको सबसे पहले कुसुमपुर, पवनपुर, पुष्पुर, पाटलिपुत्रा, उसके बाद अंग्रेज़ों ने पटना और मुस्लिम हुक्मरान ने उसको अजीमाबाद के नाम से दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी पटना सिटी से तकरीबन 85 मील की दूरी पर वाक़ है। नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्त अव्वल ने 415 से 454 कबल मसीह के दौरान कायम किया था। यहाँ चीन, तिब्बत, जावा, श्रीलंका और कोरिया वगैरह से सैकड़ों तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते थे। चीन के मशहूर सयाह ह्यूनसांग ने यहाँ अपना काफ़ी वक्त गुजारा। उनके दौर में यहाँ 8,500 तलबा और 1,510 असातिज़ा मौजूद थे। आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हज़ारों बेशकीमत दस्तावेज़ मौजूद हैं और हिफाजत से रखे हुए हैं, जो नालंदा के शानदार माजी की दास्तान बयान कर रहे हैं। गोलघर एक तारीखी इमारत है। गोलघर की तामीर 1786 में हुई थी। 1770 के कहत के पेश नज़र बरतानवी फ़ौज के लिए अनाज के ज़खीरे को महफूज रखने की खातिर कैप्टन जॉन ग्रस्टीन ने इसे बनवाया था। गोलघर की कुल ऊंचाई तकरीबन 28 मीटर है। इसकी दीवारों की चौड़ाई 3.5 मीटर है। इसके चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां हैं जो गोलघर के ऊपर तक जाती हैं। गोलघर के ऊपर से शहर और गंगा नदी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में कायम हुई, जो गंगा के किनारे वाक़ है। पटना यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू एक कदीमी और मशहूर शोबा है, जिसे 1928 में प्रोफेसर अजीमुद्दीन अहमद साहब ने कायम किया था। अजीमुद्दीन अहमद से जो यहाँ पहले हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट सदर शुबा हुए, वहाँ से लेके और अल्लामा जमील मज़हरी तक और अख्तरुरैनवी तक, कि जो हिंदुस्तान में बहुत जानी पहचानी शख्सियतें हैं उर्दू अदब की, इन लोगों तक शोबे ने बराबर तरक्की का सफ़र तय किया और बड़े बड़े और लोग यहाँ से पैदा हुए। यहाँ के स्टूडेंट्स में प्रोफेसर शकीलुर रहमान जो मंत्री भी हुए सेंटर में और वाइस चांसलर भी हुए, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान जो भी वज़ीर हुए बिहार में, और अभी के मौजूदा लोगों में बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो जामिया मिल्लिया में या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और आला उहदों पर हैं। और बड़े बड़े लोग आते रहे अपने वक्त के अहम लोग, मखदूम मोहीउद्दीन, नियाज़ हैदर और निशूर वादी और जो टॉप के लोग थे, इबादत बरेलवी, फिराक गोरखपुरी, आलम सरूर, जो उर्दू के नामी ग्रामी लोग थे, वो सब यहाँ आते रहे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ, साल में 3-4 बड़े प्रोग्राम और लगभग हर महीने एक न एक अदबी प्रोग्राम यहाँ होता रहता है। उसमें हम स्टूडेंट्स को भी, अपने तालिब इल्मों को भी, जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं, वो भी हिस्सा लेते हैं, उनको इनामात भी देते हैं। उस्तान के जो अहम शोबे हैं, डिपार्टमेंट हैं उर्दू के जो अहम शोबे हैं, उनमें ये एक पोजीशन इसकी है, इसकी एक हैसियत है। एक बात ख़ास ये है कि लड़कियों की तादाद जो है वो ज़्यादा रहती है और लड़कों की तादाद कम रहती है, या कम अज़ कम बराबर ज़रूर रहती है। जितने लड़के रहते हैं उतनी लड़कियाँ रहती हैं। कलीमुद्दीन अहमद इस डिपार्टमेंट से किसी न किसी सूरत में जुड़े रहे। पद्मश्री कलीम आजिज़ जो आज
हिंदुस्तान में सबसे बड़े गज़ल के शायर हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट के टीचर रहे। अब इतना सा दो जुमले अपने बारे में कह दूं कि मैं खुद तीन बार बल्कि चार बार, दो बार इंग्लैंड और एक बार खाड़ी के देशों में और एक बार ओमान किसी न किसी इंटरनेशनल सेमिनार में जा चुका हूँ, और बाकी सारे लोग भी कहीं न कहीं नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में जाते रहते हैं। ये हमारा प्रेजेंट है, वो हमारा माजी था। शोबे उर्दू की एक लाइब्रेरी भी है जो 1936 में कायम हुई थी। ये लाइब्रेरी अपनी किताबों, मजमुओं और दस्तावेज़ों के लिए तलबा के बीच बहुत मशहूर है। देखिए, शोबे उर्दू जैसा कि आप जानते हैं बहुत कदीम और अजीम शोबा है हमारा हिंदुस्तान का, तो जितना कदीम शोबा है उतना ही कदीम इस शोबे की लाइब्रेरी भी है। ये लाइब्रेरी तकरीबन 1936 के बाद से मुस्तकिल फ़ाल रही है, बच्चे इस्तेफादा करते रहे हैं और रोज़ बरोज़ इसमें किताबों का इजाफा होता रहा है। आज इस लाइब्रेरी में 10,000 किताबें तकरीबन अहम मौजूआत पे मौजूद हैं। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के बानी खान बहादुर खुदाबख्श थे। इनकी पैदाइश 2 अगस्त 1842 को हुई। शुमाली बिहार में एक छोटा सा गांव है ओखी, सिवान के नज़दीक, वही उनका आबाई मस्कन था। इनके वालिद मोहम्मद बख्श एक मामूली हैसियत के ज़मींदार थे और उन्हीं के ज़माने में ये ख़ानदान पटना चला आया। आज खुदाबख्श लाइब्रेरी की इमारत जिस जगह पर वाक़ है, यही इन लोगों का मकान था, यही इनकी रहाइश थी। जो सबसे दिलचस्प बात खुदाबख्श की शख्सियत की है, वो उनकी इल्म दोस्ती है। ऐसी बहुत कम आपको मिसालें मिलेंगी जब किसी एक शख्स ने बहुत ज़्यादा वसायल ना होने के बावजूद एक इतना बड़ा कुतुबखाना तैयार किया हो या इतने बड़े कुतुबखाने को मुनज़्ज़म किया हो। खुदाबख्श की हयात में ही 4,000 मख्तूतात इकट्ठा किए जा चुके थे और उन मख्तूतात में बेशतर अरबी ज़बान में थे, फ़ारसी ज़बान में थे और उर्दू ज़बान में। दरअसल ये कहानी कुछ और पहले से ही शुरू होती है, और अगर इसका पस मंज़र मैं आपको बताऊं, तो खुदाबख्श के वालिद मोहम्मद बख्श को ही मख्तूतात जमा करने का शौक़ था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 1400 मख्तूतात जमा किए थे, जिन्हें उन्होंने एक ज़ाती कुतुबखाने के तौर पर मुनज़्ज़म किया और इसका नाम उन्होंने कुतुबखाना मोहम्मदिया रखा था। अपने इंतकाल के कबल उन्होंने खुदाबख्श के ज़िम्मे ये कुतुबखाना दिया और खुदाबख्श ने एक सादतमंद बेटे की हैसियत से अपने वालिद की इस वसीयत को पूरा किया और 4,000 मख्तूतात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए। और अपनी हयात में ही उन्होंने 1891 ईस्वी में एक पब्लिक डीड के ज़रिए इन तमाम मख्तूतात को पटना के अवाम के लिए मुख्तस कर दिया या पटना के अवाम को वक्फ कर दिया, डेडिकेट कर दिया। जब हुकूमत हिंद ने इस लाइब्रेरी को कौमी अहमियत का अदारा करार दिया, तो खुदाबख्श को खराज अकीदत के तौर पर उनका नाम भी इस लाइब्रेरी में शामिल कर लिया और अब जो बाज़ाब्ता नाम इस लाइब्रेरी का है वो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। एक अफसोसनाक पहलू ये भी हम कहना चाहेंगे कि उनके आखिर के दिन अच्छे नहीं गुजरे। 1905 के बाद उनकी सेहत बराबर ख़राब रही, फालिज का हमला हो गया था, कोई काम करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा था, कर्ज का बोझ चढ़ गया था, तो उस उसरत और उस तकलीफ़ के बावजूद उन्होंने अपने इन मख्तूतात को शायद अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखा। अगर एक मख्तूता भी उस वक्त में फ़रोख्त कर देते तो उनकी माली मुश्किलात का हल हो सकता था,
लेकिन उनकी गैरत ने और किताबों से जो उनकी मोहब्बत थी उसने ये गवारा नहीं किया। उर्दू का इस शहर से पुराना रिश्ता है। आज भी ये शहर उर्दू जबान की शमा रोशन किए हुए है। उर्दू के चाहने वालों के साथ साथ बिहार सरकार भी कुतुबखानों और मदरसों के ज़रिए उर्दू ज़बान के बका और फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है। पटना सिटी से उर्दू के कई मशहूर अखबार, रिसाले और नावल शाया होते हैं। इनको पढ़ने वालों की अच्छी खासी तादाद है। उर्दू अखबारों को लोग बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। अब अल्लाह का करम है कि आस्ते आस्ते जो है लोग उर्दू की तरफ आ रहे हैं। किताबों का जहाँ तक रेंज का सवाल है, हमने कोशिश करते हैं कि अच्छी किताबें हों, और इसलिए हर तरह की किताबें हम रखते हैं, इस्लामी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी, जिस भाषा में लोग पढ़ना चाहें हम लोग के पास ये किताबें मिलेगी। ये अल्लाह का करम है, सिर्फ इंतज़ार है उर्दू की तरफ ध्यान दें। और मेरा ख़्याल ये है कि बिहार मुसलमानों के तमाम दूसरे सूबों के मुकाबले में जो देखते हैं कि मुसलमानों का सियासी शऊर नस्बता ज़्यादा तरक्की याफ्ता और सेहतमंद है, वो बिहार में नज़र आता है। उसकी वजह ये कि मादरी ज़ुबान आती है। मादरी ज़ुबान आदमी के महसूस करने का आला है। जो शख्स या जो कौम मादरी ज़ुबान से महरूम है वो सही तौर पर सोच सकती है ना महसूस कर सकती है। लेकिन चूँकि बिहार के लोग मादरी ज़ुबान अपनी जानते हैं तो उनको तमाम सियासी सूरत हाल का भी अंदाज़ा है, और वो जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ कम्युनल टेंशन वो सब सेकुलरिज्म वगैरह वहाँ ऑटोमेटिक जो इनहेरेंट हिंदुस्तान की जो आपको खूबी या खूबसियत देखनी हो वो बिहार में आपको नज़र आएगी। उनका लहजा, उनका खाना पीना, उनका इधर मिलता जुलता है, बस बहुत बाद में मालूम होता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फ़लाँ इलाके का, ये फ़लाँ इलाके का। पटना सिटी में उर्दू अदब से लगाव, शेर व शायरी से इश्क नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। ऐसे ही एक ख़ानदान की तीसरी नस्ल के एक फ़र्द से और कुछ मशहूर शायरों से मुलाकात। सार अज़ीम आबादी के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उनकी पैदाइश 1896 ईस्वी में हुई है। उनके बारे में खुसूसन ये कहा जा सकता है कि एक बार का वाक़ा है कि जब उन्होंने किसी को पढ़ते हुए मिंबर से उनकी ही शायरी सुना तो वो बहुत नाराज़ हुए, वो बहुत गर्म हुए, और उसी दिन शाम में आकर उन्होंने अपने सारे नज़्म, सारे क़सीदे, सारे रुबाई, सारे मरसिया एक संदूक में रख कर दरिया के हवाले कर दिया। उनकी एक बहुत मशहूर व मारूफ नज़्म है जो मैं आपको पेश में खत्म करता हूँ। वो कहते हैं कि दिल मुअद्दत से भरा हो, अश्क गम आँखों में हो, ओहो मेरा मौला सिरहाने जब के दम आँखों में हो। ये उनकी एक नज़्म हुआ करती थी जो बहुत मशहूर व मारूफ थी। मैं फिरदौसी अज़ीम आबादी का बेटा हूँ, और फिरदौसी अज़ीम आबादी के बारे में मैं बताऊँ कि वो अच्छे नज़्म कहा करते थे, अच्छी गज़लें कहा करते थे, अच्छे नोहा कहा करते थे। उनके बारे में उनकी सारी किताबें भी निकली हैं। उनके शेर से मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि उनका शेर मैं पेश करता हूँ, एक नज़्म का जो उन्होंने लिखी है मौला अली की शान में, कि आज साकी दौर महफिल बेहजाबाना रहे, अरिंद हो मसनद नशी गर्दिश में पैमाना रहे, अपी के बहकू भी तो ये अंदाज रिंदाना रहे, या अली कह कह के संभलूं दिल जो मस्ताना रहे। शायरी की इब्तिदा 1957 में हुई, 1960 से छपता रहा हूँ।
मेरा एक मजमूआ इंतसाब के नाम से 1994 में शाया हुआ, जिसे उर्दू एकेडमी बिहार ने पहले अवार्ड जमील मजहरी अवार्ड से नवाजा। वो मजमूआ अब पटना यूनिवर्सिटी के एमए के निसाब में तकरीबन 8 साल से पढ़ाया जा रहा है। अब मैं अपने कुछ चंद अशआर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। कि नी ख्वाब आँखों से चुने, ख्वाब आँखों से चुने, नींद को वीरान किया, इस तरह उसने मुझे बेसरो सामान किया, खाके वीरा था फकत हु की सदा गूंजती थी, खाके वीरा था फकत हु की सदा गूंजती थी, मेरी वहशत ने बयाबा को बयाबान किया। मैंने एक शख्स की शाइस्ता मिजाजी के लिए अपनी हर ख्वाहिश खुश रंग को कुर्बान किया। मैंने अपना अदबी शेर व शायरी का आगाज़ 1954 में किया, जबकि मैं 8वें दर्जे का तालिब इल्म था, और शुरू में इस्लाम मैं अपने वालिद मोहतरम से शाह अज़ीम आबादी से लिया करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं सैयद जलालुद्दीन अकबर से इस्लाम लिया करने लगा, और अदबी खिदमत का जज्बा मुझ में शुरू से ही है। क्या सुनाऊँ मैं गुलिस्तां की कहानी तुमको, क्या सुनाऊँ मैं गुलिस्तां की कहानी तुमको, शाख जैतून पे इबलीस का घर है यारो। और एक शेर और एक मतलब देखें कि बेवफाओं से भी अब वफा कीजिए, बेवफाओं से भी अब वफा कीजिए, जालिमों से भी हंसकर मिला कीजिए, दिल में अपने खलिश ना रखा कीजिए, दोस्ती का भी कुछ हक अदा कीजिए। यूं तो पटना शहर में बहुत सी मशहूर मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन पत्थर की मस्जिद अपनी नौइयत के लिहाज से इन सब से मुख्तलिफ है। ये पत्थर की मस्जिद जो लवे सड़क अशोक राजपथ में वाक़ है, जो बाद में सुल्तानगंज के बजाय पत्थर की मस्जिद कहलाने लगा, इसे जहांगीर के बड़े लड़के परवेज ने बनाया। पत्थर की मस्जिद को 1621 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने तामीर कराई थी। मस्जिद के गुंबद, दरीचों और दरवाज़ों की नक्काशी उसी दौर के कामयाब और हुनरमंद कारीगरों ने की थी। कहा जाता है कि पत्थर की मस्जिद को इन कारीगरों ने चंद घंटों में ही तामीर कर दिया था। इस मस्जिद की शोहरत इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में पहुँच चुकी है। यहाँ अक्सर मुहक्किकीन और सन्नाई से दिलचस्पी रखने वाले मस्जिद को देखने दुनिया के कोने कोने से पहुँचते हैं। पत्थर की मस्जिद को संगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ हिंदुओं के लिए मुकद्दस रहा है, मुसलमानों के लिए मुकद्दस रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये पंजाबियों के लिए उससे ज़्यादा ये मुकद्दस रहा है। अवले अल्ले नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। पटना शहर में जहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं, वहीं ये शहर सिखों के गुरु गोविंद सिंह साहब का जाय पैदाइश भी है। यहाँ तख्त हरमिंदर सिंह जी पटना साहब भी कायम है। पटना में सर्वप्रथम श्री गुरु नानक देव जी आए थे और यहाँ अपने हाथों से एक संगत का निर्माण किया था। उसके बाद पटना में 9वें गुरु तेग बहादुर जी परिवार के समेत आए और यहाँ पर ठहरे। उस समय माता गुजरी जी गर्भवती थी, इसलिए गुरु तेग बहादुर जी आगे यात्रा में उन्हें नहीं ले गए और समय पा करके इसी पवित्र स्थल पर, जिसे तख्त हरमंदर जी पटना साहब कहते हैं,
यहाँ 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ। ये सिखों का दूसरा महान तख्त बना और गुरु गोविंद सिंह जी जन्म लेकर के यहाँ 7 बरस तक रहे। 7 साल तक उन्होंने यहाँ पर बचपन में अनेकों बाल लीला किए हैं। पटना शहर पर बुजुर्गों, पीरों और दरवेशों की दुआओं का बहुत असर रहा है। लोग अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों को इन बुज़ुर्गों के सामने रखते रहे हैं। उनका अकीदा है और उन्हें यकीन है कि उनके बुज़ुर्ग उनकी परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता या हल निकाल लेंगे। सूफियाए किराम की दरगाहें और खानकाहें हमेशा से कौमी यकजहती और कौमी रवादारी का मरकज रही हैं। इस पटने में भी बुजुर्गान दीन की दरगाहें और खानकाहें उर्दू ज़बान व अदब के इर्तिका के हवाले से और इस पटना शहर के रहने वालों के दरमियान आपसी मोहब्बत, रवादारी और खैर सगाली के हवाले से एक मरकज के तौर पर याद की जाती हैं और याद की जाती रहेंगी। ये खानकाह जो मीतन घाट महल्ले में वाक़ा है, ये महल्ला भी एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग की यादगार है। हज़रत मुल्ला सैयद बदीउद्दीन आलमगीरी उर्फ मुल्ला मीतन औरंगज़ेब के अहद के एक बड़े नाबगए रोज़गार उस्ताद और आलिम और सूफ़ी थे। इन बुज़ुर्गों ने लोगों की खिदमत का काम भी खूब किया है। शबो रोज़ यहाँ सैकड़ों अफराद हर मजहब व मिल्लत के मौजूद होते हैं और अपना दुख दर्द लेकर हाजिर होते हैं। उन्हें इस बात का यकीन होता है कि यहाँ के दरो दीवार और यहाँ बैठने वाला सज्जादा नशीं उनके दर्द को पूरे खलूस के साथ सुनेगा और उनके दर्द के मदावा की कोई ना कोई ऐसी शक्ल निकालेगा जिससे उनके दर्द के दरमा का कोई सवाल पैदा हो सके। और ये जगह कुतुब खाने के लिहाज से भी बहुत बड़ी है। यहाँ 15,000 मतबूआत है, उसके अलावा तकरीबन 550 मखतूतात हैं। यहाँ कंपेरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन की किताबें भी, तुलनात्मक अध्ययन सभी धर्मों का, उस पर भी किताबें यहाँ मौजूद हैं। और ये एक ऐसा सेंटर है, ये एक ऐसा मरकज़ है जिसे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की एक पुरजोर और बावक़ार अलामत कहा जा सकता है। उर्दू ज़बान, शेर व शायरी और अदब की खुशबू को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर फैलाने में पटना सिटी के बाशिंदे, सरकारी और गैर सरकारी इदारे पेश रहे हैं। एक आदमी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए पाबंद आहद है और मसरूफ़कार है। अपनी रवायती सरगर्मियों के साथ साथ एक आदमी ये चाहती है कि उर्दू आबादी आज के इक्तसादी और साइंसी तरक्यात के दौर में किसी भी तरह वो पीछे ना रहे, बल्कि जदीद इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से पूरी तरह आशना वो मुस्तफिद रहे। इसलिए हमने वेबसाइट एकेडमी का बनाया है। इल्मी मजलिस बिहार हमारी एक सोसाइटी है जिससे हम मुशायरा, सेमिनार, सिंपोजियम, ऐसे कंपटीशन कराते रहते हैं। इस तरह से इल्मी मजलिस बिहार 1980 से लेकर करके आज तक मुतद शायरों को नवाजा, सेमिनार हुए और बड़े बड़े शोरा अदबा को हम लोगों ने उससे नवाजा। पटना सिटी और इसकी छोटी छोटी लेकिन प्यारी प्यारी बातें और चीज़ें हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी काफ़ी मकबूल हैं। इस गली में हर एक आदमी मौड़ी पगड़ी बनाते हैं, तो यहाँ हर एक दुकान में बिकता है और घर घर में बनता है। औरत का काम औरत करती है, मर्द का काम मर्द करता है। ये मौड़ी पगड़ी हम लोग बनाकर यहाँ बेचते हैं और ये हिंदू लोग के शादी विवाह में काम में आते हैं और ये इसको शुभ अब माना जाता है। और ये यहाँ से पूरे बिहार में सप्लाई होती है, हिंदुस्तान के कोना कोना में भी जाती है। इसकी हर एक की कीमत 50 से लेकर 500 भी है, 5,000 तक की भी है। यहाँ ऑर्डर देने पर जिस तरह का बोलिएगा उस तरह के आपको मिल जाएगा। पटना सिटी की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, हीरो हीरोइन और अदाकार यहाँ के बाशिंदों के दिलों में एक खास मुकाम रखते हैं। एक जवानी रसगुल्ला मुहा से चुएला रहो, मन करे खा जाई रसगुल्ला से रसवागा रहो, गोरी पहरा मत बाई
कटल चोली ई बिहार हवे ई बिहार हवे ई बिहार हवे चल जाए थाए थाए गोली तू हवा पान के पतैया हम हई चूना तोहार ओ जान जिए से बुझा तमार डाली रे ई चश्मा वाली रे हाय हाय ई चश्मा वाली रे हाय हाय ई चश्मा वाली रे हाय हाय ई चश्मा वाली रे। जमाने कदीम से अब तक हजारों बार बदला है मगर पटना तो पटना था मगर पटना तो पटना है।